हाई एवरी वन वेलकम टू दि फोर्थ क्लास ऑफ दिस चैप्टर दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवर यू तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ओपन एंडेड फंड्स क्लोज एंडेड फंड एंड लिटल बिट अबाउट ई टी एफ्स एंड दीज थिंग लेट मी टेल यू दैट ये चीज़ें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में भी सो मेक श्योर यू ड्रा ऑल योर अटेंशन हेयर ओमली ओपन एंडेड फंड्स एंड क्लोज एंडेड फंड्स देखिए मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंडस की एक ओपन एंडेड नाम से क्या लगता है कि दिस फंड इज एक्चुअली ओपन ओपन है कि आपको अगर म्यूचुअल फंड बाय करना है आप मुझसे बाय करो आई एम ओपन टू बाइंग मतलब आई एम ओपन टू सेलिंग यू कैन बाय फ्रॉम मी एंड एंड आई एम इवन ओपन टू बाइंग दैट इफ यू वांट टू सेल मी तो आप मुझे बेच भी सकते हो सो आई एम ओपन सो हेयर काउंटर पार्टी कौन होता है म्यूचुअल फंड ही होता है केस में क्या होता है आपको जो भी फेयर वैल्यू होती है देट से Uh, एक म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी फिफ्टी को ट्रैक करता है और निफ्टी लेट से आज वन परसेंट नीचे गया तो वह म्यूचुअल फंड भी ऑलमोस्ट वन परसेंट नीचे जाएगा और आपको वही रेट पे आपको ट्रू एंड फेयर वैल्यू पे आपको एग्जीक्यूशन मिलेगा दैट्स नंबर वन एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको लेट से आपको लगा कि ग्यारह बज गए हैं आज सुबह के एंड आपको लगा कि यहाँ पे बहुत बढ़िया रेट मिल रहा है आई थिंक आई शुड बाई निफ्टी आई शुड बाय दिस म्यूचुअल फंड आई शुड टेक एक्सपोजर इन दिस पर्टिकुलर थिंग लेकिन आपको रेट 330 मार्केट एंड होने के बाद जो रेट होगा आपको वही रेट आपको मिलेगा तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते आपने बाय किया यू हैव टू वे फॉर डे एंड आपको सेल करना है यू हैव टू वेट इल डे एंड तो यहाँ पे क्या होगा आपको पूरे दिन में आप एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो दैट्स द लिटिल डिसएडवांटेज ऑफ दिस थिंग बस एडवांटेज क्या है कि आपको फेयर प्राइस पर फे बाइंग और सेलिंग होने को मिलेगी दिस फंड प्रोवाइड्स फंड प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी दैट इज द फंड रेडी टू इशू जो भी आपको आपको और यूनिट्स चाहिए मैं इशू करूंगा आपको रिडेम्पशन करनी है मैं रिडीम करूंगा आपके पैसे दूंगा दिस इज डन एट क्लोजिंग एन मैंने बताया जैसे कि मार्केट क्लोज होती है उस क्लोजिंग फेयर वैल्यू पे होता है

एंट्री लोड तो यू हैव टू पे टू बाय दिस शेयर एंड सेल प्राइस क्या होगा एन ए वी माइनस एग्जिट लोड एग्जिट लोड को कह सकते हैं बैक लोड या रिडम्पन लोड अगर आप ये 90 का फंड ना नाइन्टी का फंड हंड्रेड हो गया सिंप्लिसिटी के लिए नाइन्टी का फंड हंड्रेड हो गया और लेट से वन परसेंट एग्जिट लोड है तो आपको हंड्रेड माइनस वन परसेंट दैट इज नाइन्टी नाइन रुपीज में आपका फंड हो हो तो हो सेल होगा बाय करोगे तो ज्यादा पे करोगे सेल करोगे तो कम मिलेंगे देर में भी नो लोड no एक नो लोड फंड भी होता है ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि कॉम्पिटिशन खत्म ओपन एंडेड फंड लिस्टेड नहीं होता कोई एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होता जहां पर बायर सेलर मिल पाए फंड ही मैनेज करता है किसको बाय करना है किसको सेल करना है यूनिट कैपिटल ऑफ म्यूज ओपन एंड इज नॉट फिक्स्ड इसमें जितने मर्जी यूनिट इशू कर सकता है जितने मर्जी रिडीम कर सकता है कोई लिमिट नहीं होती बट अगर कोई लिस्टेड है शेयर लेट्स से रिलायंस के शेयर लिस्टेड है अडानी के शेयर लिस्टेड है विप्रो के शेयर लिस्टेड है तो ये सब शेयर्स की लिमिटेड सप्लाई है उससे ज्यादा नहीं मतलब उसे उन्हीं शेयर्स में ट्रेडिंग होती अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होती फंड्स कैन बी एक्टिव और पैसिव मैं एक मैनेजर हूँ जो मैं मानता हूँ मैं मार्केट को टाइमिंग कर सकता हूँ मुझे पता है कब बॉटम बनता है कब टॉप बनते हैं मैं टाइमिंग कर सकता हूँ दैट्स नोन एज एक्टिव फंड पैसिव फंड क्या मैं तो निफ्टी में पैसे डाल के छोड़ रहा हूँ और निफ्टी में थोड़ी बहुत मैं चर्निंग करता हूँ अकॉर्डिंग एज पर दी वेट्स एज पर द रीबैलेंसिंग एडवांटेज क्या है प्राइस हमेशा आपको एन एव फेयर प्राइस पे आपको मिलेगी डिसएडवांटेज क्या है आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि बाय सेल बाई सेल दिन में दस बार पंद्रह बार आप नहीं कर सकते ऑल्सो इट हैज़ टू कीप कैश कैश रखना होता है इस फंड को अपने पास कैश रखना होता है क्योंकि कोई बंदा कहेगा मेरे फंड बेचो तो बैठ के सारे शेयर थोड़ी बेचेंगे उस बंदे के नहीं तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी उस थोड़ा सा कैश मेंटेन करके रखना पड़ता है दैट्स दी डिसएडवांटेज है तो ताकि रिडेम्पशन प्रेशर को मीट कर पाए दिस इज कॉल्ड कैश ड्रैग अगर एक बुल मार्केट है उसमें कैश एक ड्रैग की तरह होता है और एक बुल एक बेयर मार्केट होती है उसमें कैश एक आ, कह सकते हैं कि कैश इज़ लाइक गोल्ड गोल्ड फॉर यू तो ये एक जनरल एक स्टेटमेंट मैंने बताई

मैंने फंड्स मैंने यूनिट्स को इशू कर दिया है एक्सचेंज पे एन पे बी पे अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया आपको बाइंग सेलिंग करनी है बायर सेलर ढूंढो एक्सचेंज पे जैसे शेयर ट्रेड होता है वैसे करो तो सर इसका मतलब कि अगर प्राइस अगर प्राइस में कोई भी ज़्यादा बाइंग कर करके प्राइस को फेयर वैल्यू से ऊपर या नीचे कर सकता है बिल्कुल कर सकता है दैट्स द डिसडवाटेज कि आपको प्रीमियम या डिस्काउंट पे आपको मिल सकता है या बेचना पड़ सकता है एडवांटेज क्या है बिल्कुल एक शेयर की तरह ट्रेड करता है बहुत बढ़िया चीज है लेकिन डिसएडवांटेज क्या है यूजुअली एट अ डिस्काउंट मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्काउंट पे चलता है क्यों चलता है उसके रीजन हम आगे देखेंगे <coughs> नॉर्मली एक्टिव ये एक एक्टिव फंड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एंड देयरफॉर इसकी लो मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी होती है कि मैनेजमेंट अकाउंटेबल नहीं होता इस चीज के लिए ये लेस रिस्पांसिव होता है शेयर होल्डर कुछ बोलेगा भाई हम ज्यादा नहीं सुनते एंड हाई मैनेजमेंट फीस क्यों क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज कर रहा है आपको सुपर नॉर्मल रिटर्न देने का काइंड ऑफ अश्योरेंस देता है ये फंड डोंट प्रोवाइड लिक्विडिटी मैं नहीं लिक्विडिटी दूंगा आपको एक्सचेंज में जाओगे आपको बायर सेलर मिलेंगे आपस में बाय सेल करते रहना नो लोड बट ब्रोकरेज कोई लोड एंट्री लोड एग्जिट लोड नहीं होता बट आपको ब्रोकरेज देनी होगी जैसे आप शेयर्स को बाय सेल करने में ब्रोकरेज देते हैं एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है मैंने बता ही दिया कांट इशू मोर यूनिट्स एक लिमिटेड यूनिट्स होते हैं जैसे एक कंपनी आईपीओ के साथ आती है ये भी एक आईपीओ के साथ आते हैं कि हम ये इशू कर रहे हैं एंड हैव अ लाइफ ऑफ टेन ईयर्स आफ्टर विच देर इज रिडम्पन और कंपनी कहती है कि हमने आज लिस्ट कर दिए है दस साल बाद हम रिडम्शन कर देंगे होल्ड्स लेस कैश इन हैंड क्योंकि इनको कैश की क्या जरूरत है आपस में आपस में बाई सेल, सेल कर रहे हैं तो पे इनको कैश की ज्यादा जरूरत नहीं होती तो दैट्स है यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कैसे एक क्लोज एंडेड फंड काम करता है कैसे एक ओपन एंडेड फंड काम करता है देखने में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बट एज सच प्रैक्टिकली फॉर एग्जाम्पल पर्पज इट इज ऑफ नो यूज सो आई एम जस्ट पॉजिंग लिटल बिट बिटवीन दीडियो सो यू कैन सी द एग्जाम्पल इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द सेम यस ओके बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन अभी हम यहाँ पे ईटीएफ की भी बात करेंगे जो कि आगे आने वाली है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एसिड हेल्ड म्यूचुअल फंड्स को कुछ टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है एक होता है मनी मार्केट फ्यूचुअल फंड मनी मार्केट इट्स लाइक मनी दैट मीन्स की इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होगी ऑब्वियसली अगर इसमें लिक्विडिटी ज्यादा कोई अच्छी चीज है अच्छी चीज में अच्छी रिटर्न मिल जाए ये तो हो नहीं सकता अगर किसी में कोई चीज़ अच्छी है अच्छी चीज़ के पैसे भी अच्छे होंगे और जब पैसे ज़्यादा अच्छे होंगे मतलब पैसे अगर आप महंगा दोगे तो रिटर्न उस पर ओवरऑल कम ही आएगी तो इनकी रिटर्न काइंड ऑफ सिमिलर टू एफ डी टाइप्स होती है और लिक्विडिटी रहती है कि आपका फ्री कैश हो तो आप यहाँ डाल सकते हो दैट्स नोन एज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड दैट्स हाउ वन कैन एक्चुअली रिमेंबर दिस थिंग कंपेरेबल टू बैंक सेविंग अकाउंट जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल सी रिटर्न आती है डिसर्न आती है सेफ्टी बहुत हाई होती है ऑब्वियसली सेफ्टी या तो आप सेफ्टी ले सकते हो या तो आप प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए रिस्क ज्यादा रिस्क कम सेफ्टी एंड वाई से वर्षा हाई लिक्विडिटी ऑब्वियसली यू कैन बाई सेल वेरी इजिली एट फेर प्राइस एंड लोअर रिटर्न जैसे मैंने बताया रिटर्न लो होंगी बैंक डिपॉजिट्स आर इश्योर्ड टू ए सर्टन एक्सटेंट बैंक डिपॉजिट होता है सर्टन एक्सटेंड तक होता है जैसे इंडिया में फाइव लाख तक अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे वो इंश्योर्ड होते हैं बट इन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड दे आर नॉट इन्श्योर्ड तो बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिसडवांटेजेस है बट ऑब्वियसली यहाँ पे बैंक से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न ही मिलता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर सो सेफ दैट देयर एन रिमेंस कांस्टेंट रिमेन्स एन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है उसकी एक्सेप्शन अकर्ड इन क्रेडिट क्राइसिस जब क्रेडिट क्राइसिस आया तब बहुत वहाँ पे फिर प्राइसिस गिर गए थे दैट वॉज एन एक्सेप्शन केस एक दर बॉन्ड फंड नाम में छुपा है ये ये फंड जो है बॉन्ड्स में पैसा लगाता है इट होल्ड्स अ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स कॉरपोरेट बॉन्ड्स हाई गिल्ड बॉन्ड्स हाई इल्ड मतलब गंदे बॉन्ड्स हाई उनकी खुशी नहीं होनी चाहिए हाई ईर्ड मतलब ये हम फिक्स्ड इनकम में डिटेल में करेंगे हाई ईल्ड का मतलब होता है ज्यादा रिटर्न और ज्यादा रिटर्न कौन देने के लिए रेडी होता है मैं आपको लेट से कोई कंपनी है वो आपको एट परसेंट रिटर्न दे रही एक कंपनी नहीं नहीं मैं आपको बीस परसेंट रिटर्न दूंगी आप मेरे में आप मुझे पैसे दो ऑब्वियसली ज्यादा रिटर्न एक इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से सोचो मैं अगर ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये कंपनी ज्यादा रिस्की है गॉट माई पॉइंट तो अगर किसी से ज्यादा रिटर्न कोई ज्यादा रिटर्न दे रहा है दैट वो ज्यादा रिस्की तभी तो ज्यादा रिटर्न दे रहा है अदरवाइज क्यों ज्यादा रिटर्न देने में एक्सपेक्टेड होगा क्यों इंटरेस्टेड होगा हाई हाईड बॉन्ड्स इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स मेन डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में मेच्योटी ऑफ द दैंडल होल्ड इनकी मेचोरिटी बहुत लॉन्ग टर्म होती है मनी मार्केट इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जैसे मैं होता है नाइन्टी डेज थ्री सिक्सटी मैक्सम थ्री सिक्सटी फाइव डेज तक होता है और ये क्या होता है थर्टी ईयर्स तक की मेच्योरिटी होती है बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स की टैक्स सेविंग बॉन्ड फंड इन्वेस्ट हैवीली इन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स एज दे आर टैक्स फ्री ये मेजोरिटी बहुत uh, कह सकते हैं कि मोस्ट हैवीली इस वाले इस टाइप फंड में इन्वेस्ट करते हैं अगली बात करें इक्विटी फंड नाम में चुप है ये इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं मोस्ट पॉपुलर होते हैं एक्टिव हो सकते हैं पैसेव हो सकते हैं जैसे निफ्टी की बात करें जो हमारा निफ्टी फिफ्टी हो गया हमारा आई टी का हो गया आई टी बीज बैंक बीज आई टी बीज बैंक बीज तो एक ई टी एफ का टाइप हो गया बट जो म्यूचुअल फंड आई टी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं आ, फार्मा में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो आगे एक्टिव क्या होता है एक्टिव कहता है मैं अपने बेंच को बीट करके दिखाऊंगा इनकी मैनेजमेंट फीस ज्यादा होती है टैक्सेस ज्यादा होते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ये सब चीज़ें होती हैं ये होता है हाइब्रिड फंड और बैलेंस्ड फंड हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन थोड़ा बॉन्ड में डाल दिया थोड़ा मनी मनी मार्केट में डाल दिया थोड़ा इक्विटी में डाल दिया काइंड ऑफ मिक्स इन्वेस्ट इन कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड सॉरी हाइब्रिड इसके अंदर नहीं होगा हाइब्रिड मीनस कि वो हाइब्रिड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में डालता है आई आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज इन दिस थिंग जो कन्वर्टेबल बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है थोड़ा सा काइंड ऑफ आर्बिट्र चीजें भी ढूंढता है कन्वर्टेबल बॉन्ड इन्वेस्ट इन डेट एज वेल एज इक्विटी मतलब सब कुछ ही आ जाएगा हाइब्रिड भी आ गया इक्विटी डेट मतलब सब कुछ ही आ गया मतलब उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज आई है दैट इज कन्वर्टेबल टाइप मतलब जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी इन्वेस्ट करता है बट रिसेंटली पॉपुलर डू टू लाइफ साइकिल इन्वेस्ट कॉन्सेप्ट इट मीन्स द डिसाइड्स अपॉन एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन द एज प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर आपकी कितनी एज है आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपका एक सेपरेट अलग सा एक हाइब्रिड फंड बनते हैं इत, आप इतने यंग है तो उस केस में इतना पैसा डेट में इतना पैसा इक्विटी में एंड अकॉर्डिंगली देू वट टू डू अगली बात आती है ई की आई थिंक ई टी एफ इजत जो कि दो तीन मिनट में समझाना थोड़ा सा टफ होगा रीजन बींग कि वो क्लोज इंडर और और ओपन एंडेड का थोड़ा सा मिक्स है क्या उसकी है क्या इसकी आई डोंट थिंक यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना चाहिए लेट्स कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट सेशन होप सो यू आर लाइकिंग ऑल दी से विच आई एम क्रिएटिंग इफ यू इफ इफ यू यू रियली इंजॉइंग दिस मेक श्योर यू आर शेयरिंग इट विद यर फ्रेंड्स थैंक यू बाय बाय